हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की आपसी लड़ाई अब सतह पर आती जा रही है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजलवाल ने कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं, और गोविंद सिंह कुंजलवाल ने क्या खुलासे किए हैं वो हम आपको बताएंगे। कुंजलवाल ने कांग्रेस की हार की वजह किसे करार दिया है, देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका मंथन अभी कांग्रेस संगठन के स्तर पर होना बाकी है। लेकिन इस मंथन से पहले ही कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दो कदम आगे बढ़कर पार्टी की गुटबाजी को हार की वजह करार दिया, और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के लोगों पर गणेश गोदियाल का सहयोग नहीं करने का आरोप लगा दिया। तो गोदियाल जी को पूरी टीम मिलनी चाहिए थी, वो नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से संगठन हमारा सही काम नहीं कर पाया। प्रीतम सिंह से जुड़े हुए लोग गोदियाल जी के आदेशों को मानने को तैयार नहीं थे, वो जो है गोदियाल जी जो निर्णय करते थे उसके विपरीत चलते थे, तो इसमें कहाँ पर काम चल सकता था। इसको देखने का काम प्रभारी का था, उन्होंने करना चाहिए था, ये नहीं हो पाया। गोविंद सिंह कुंजवाल यही नहीं रुके, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुंजवाल ने प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे को भी निशाने पर लिया, और उन पर हाईकमान के सामने गलत रिपोर्ट पेश करने और गुटबाजी को बढ़ाने का भी आरोप लगा डाला। केंद्र से नेता भेजे जाते हैं यहाँ, चाहे प्रभारी हो चाहे दूसरे लोग, सह प्रभारी हो या दूसरे लोग, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करें, कम करें, संतुलित लाएं, संतुलन बनाएं। तो उसमें भी हमारे प्रदेश में जो है वो चीज़ संतुलन बनाने की चीज़ मेरे मैं समझता हूँ कम मैंने देखी, और गुटबाजी यहाँ बढ़ती गई है। जाहिर है पहले से प्रीतम सिंह, रणजीत रावत और हरीश रावत के बयानों के बीच कुंजवाल का बयान आग में घी का काम कर सकता है। ऐसे में होली के बाद हार के मंथन का इंतजार कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले हैं प्रीतम सिंह। बुधवार को दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। प्रीतम सिंह ने मुलाकात को अनौपचारिक बताया है। मुलाकात को लेकर प्रीतम सिंह बोले हैं, राजनीतिक हालातों को लेकर यहां पर बात की गई है। तो अनौपचारिक रूप से मैं गया था, और जब हम दिल्ली जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि अपने शीर्ष नेतृत्व से भी जो है मिले, तो एक अनौपचारिक मुलाकात है उसको कह सकते। पर इस स्थिति में जबकि आप जीते हो, पार्टी हारी हो, कुछ देखिए, अब जब कहीं पर मुलाकात होती है तो बात होती है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अविनाश पांडे जी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रदेश में आकर के तमाम चीज़ों की समीक्षा करने का काम।